एक्सपीरियंस को लिया है पोर्जरी बना के, उनको हमारा एक बड़ा भैया जो पुरमर जनरल सेक्रेटरी है उस समय का, वो रागो दुचुक दोकुम जो है हमारा वहां का पुरमर जनरल सेक्रेटरी, उनका तरफ से क्लियर कर दिया, में हमको एक डिक्लेरेशन दिया है कि ये जो है हमने, उन्होंने जबरदस्ती रिक्वेस्ट किया इसका वजह से हमने दिया बोल के, हम लोग जब रिक्वेस्ट कर उनको बात करना शुरू किया तो वो हमको एक डिक्लेरेशन ऑर्डर दे कि नहीं वो लड़का जो वहां में एग्जीक्यूटिव मेंबर में नहीं था। अभी उसमें हम लोग ने कुमार कोदक से हमने बात किया, वो पुरमर जो प्रेसिडेंट है, सोदे लुसी से हमने बात किया जो जनरल सेक्रेटरी है, उससे बात किया तो वो क्लियरली उसका वॉइस टेलीफोन कन्वर्सेशन में उनको साथ में बैठ के बात किया है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको एज एक्सपीरियंस चाहिए बोला है हम लोग को अधिकतर में, इसलिए उनको सर्टिफिकेट दे दिया। अभी वो बोलता है हम लोग को अधिकतर में दे दिया, उसको भी फोर्जरी बना के वो अभी सबमिशन करते हैं। जो कि जनरल सेक्रेटरी है ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन अपर सेकेंडरी यूनिट का अंशुशु का 2005-2008, अगर वो 2005-2008 में एजुकेशन सेक्रेटरी था उस समय में, फिर ये जो लेके आता है या में दिखाता है कि अपर सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में ये जो असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी था थॉमस अकबर जी ने जिस प्रकार से उनका जो पुरजारी सर्टिफिकेट को लेके, जो पुरजारी सर्टिफिकेट को फुलफिल स्क्रूटनी करने के बाद उसको उनका जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उनको विदड्रॉ किया गया है, कि वो जब ऑफिशियल कैंडिडेट रिकमेंडेशन को विदड्रॉ कर चुका है, रिवोक कर चुका है, तो वो कैसे अभी वो ऑफिशियल कैंडिडेट बन सकता। इंटरिम कमिटी का जो चेयरमैन है वो रिवोकेशन का जो उनका रिटर्न स्टेटमेंट का हिसाब से वो फोर्जरी, जिस प्रकार से वो ऑफिशियल देते समय में जिस प्रकार से वो एक्सपीरियंस सबमिट किया है, वो एक्सपीरियंस जो एक स्टार फाइंडिंग के हिसाब से पूरा फोर्जरी निकला है। मैंने वार्म गुड इवनिंग टू ऑल द मीडिया प्रतिनिधि, माय नेम इज रोमेश मागा एंड आई एम द एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओएनसी स्टूडेंट यूनियन इन दिस इंसुइंग 16 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन ऑफ ओएनसी स्टूडेंट यूनियन। सी आज यहाँ आने का जो मीडिया में आने का रीजन यही है कि हमारा अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का जो स्क्रूटिनी है वो अभी तक होल्ड में है, उनको लेके मेरा जो सपोर्टर है, मेरा वेल विशर है, मेरा सोसाइटी समाज को मैं क्लेरिफिकेशन करने आया हूँ कि यहाँ जो अभी स्क्रूटिनी का चलते जो होल्ड है, जो मेरा जो ओपोनेंट है जो तदंग लड़दंग मुतुम ने हमको एक कंप्लेंट डाला है, वो कंप्लेंट ये कि हमको एक्सपेल 6 साल के लिए, हमारा केयरटेकर प्रेसिडेंट 6 साल के लिए एक्सपेल दिया गया, तो ये एक्सपेल लेटर जो है हमारा, हमको ओ शो कॉज नोटिस देता है 13 जून 2024 को हमारा 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को दिया जाता है। ओ ये शो कॉज नोटिस को लेके हमने, ये शो कॉज नोटिस को लेके हमने रिप्लाई दिया है 23 जुलाई 2024 को हमने पारावाइज उनका रिप्लाई दिया है। इसके बाद में ये जो फैक्ट फाइंडिंग, जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का अनुसार, जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का अनुसार जो हम लोग को जो 4 पॉइंट जो एलिगेशन डाल के जो शो कॉज नोटिस दिया है, वो शो कॉज नोटिस को, वो फैक्ट फाइंडिंग का जो रिपोर्ट को हमारा फिर निशी इलिस सोसाइटी का तरफ से हमारा 19 जून 2024 को लोकस स्टैंडी देता है। डेट मीन्स ये शो कॉज नोटिस का जो जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमिटी जो रिपोर्ट देके हम लोग को जो शो कॉज नोटिस देने दिया, वो फैक्ट फाइंडिंग का रिपोर्ट को फिर यहाँ लोकस स्टैंडी दिया गया। डेट मीन्स ये जो है फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का जो रिपोर्ट है उनको नल एंड वॉइड किया गया, दैट मींस वो जो है उनको बेस करके हम लोग को शो कॉज नोटिस दिया गया था, तो उसको निशी इलिस सोसाइटी का तरफ से लोकस स्टैंडी दे चुका है। उसके बाद जो फिर 3 जुलाई 2024 को एक ज्वाइंट एक मीटिंग बैठता है निशी इलिस सोसाइटी और अंशु, हमारा केयरटेकर प्रेसिडेंट अची नाबुम दोदुम, उसके बाद अची गोरा रिकम, उसके बाद मुरी पुरन, उसका रहीम यांगपो लिचासा, वो लोग बैठ के जितने भी कोता पोस है निशी इलिस सोसाइटी का साथ मीटिंग बैठ के यह क्लियर कट वो लोग रेजोल्यूशन एडॉप्ट करता है कि जितना भी अभी ऑफिशियली आपस में जो क्रॉस पेंडिंग हुआ है, उसके बाद आपस में शो कॉज नोटिस हुआ है, वो चीज को लेके वो खुद यहाँ में अची नाबुम दोदुम जी लिखता है कि खुद साइन मारता है कि यहाँ में वो जितना भी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उनको और जितना भी एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को जो शो कॉज नोटिस दिया है उनको यह रिवोक करता है। 3 जुलाई 2024 को निशी इलिस सोसाइटी का ज्वाइंट मीटिंग में
वो लोग आपस में रेजुलेशन ड्रॉ करता है कि जितना ऑफिशियल 100% को वो जो है रिवोक करता है। दैट मीन्स अभी जो है ये जो है हमको जो एक्सपेल किया है वो एक्सपेल जो है हमको ये 100% नोटिस को लेके एक्सपेल किया है। दैट मीन्स ये 100% नोटिस को लेके आपने 3 जुलाई 2024 को आप रिवोक कर चुका है। उसके बाद आप हमको एक्सपेल करता है, आप हमको एक्सपेल करता है 11 अक्टूबर 2024 यानी कि 11 अक्टूबर 2024 को आप जितना भी 100% वो ये एक्सपेलशन ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि वो जो 100% नोटिस को रिफरेंस करके लिखा है वो 100% नोटिस को फिर हमारा निसी इलिस सोसाइटी का सामने में साथ में आप मीटिंग बैठ के आप जो है उसको 100% नोटिस को आप जो है रिवोक करता है। जितना भी 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जीसीएस को दिया उसको रिवोक करता है। और वेरी इंटरेस्टिंगली अभी यहाँ में 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को किसी को एक्सपेल नहीं किया। यहाँ में मेरा अभी कोई कोई 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में से जो जो 100% नोटिस का आया वो लोग भी अभी कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन वो लोग को कोई एक्सपेल नहीं किया गया, लेकिन हमको एक्सपेल किया गया। और वेरी इंटरेस्टिंगली कि अगर हम एक्सपेल एग्जीक्यूटिव मेंबर से एक्सपेल हो गया, हमको एग्जीक्यूटिव मेंबर का उधर में हमको ये वोटिंग इनरोलमेंट हम उधर में वोटिंग इनरोलमेंट में हमको एग्जीक्यूटिव का नाम से दे के रहे, अगर हम एक्सपेल है आप हमको वोटिंग इनरोलमेंट में हम नहीं होना चाहिए। और यहां में आप लोग जस्टिफाई करके देखिए कि निसी इलिस सोसाइटी का तरफ से ये क्लियर कट रिवोक करके रखा है, उनको बेस करके हमको यहाँ में एक्सपेल किया जा रहा है। तो हमने अपना क्लेरिफिकेशन हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर जितना भी इलेक्शन कमिटी को हमने सबमिट करके आया है, तो हम विश्वास करता है उन लोग से अच्छी यूरम तमीन का जो लीडरशिप में और अच्छी हमारा टीची संजय का जो लीडरशिप में जितने भी इलेक्शन मेंबर्स है उनका लीडरशिप को हम विश्वास करता है वो जो भी डिसीजन लेगा एक सही एक वाइस डिसीजन लेगा और सही एक चीज को अच्छा से स्टडी करने के बाद में सही और गलत को जस्टिफाई करने के बाद में डिसीजन देगा वो हम विश्वास करते हैं। ये है मेरा क्लेरिफिकेशन और आप लोग को बाद में हम मीडिया लोग को कागज दिया जाएगा, मेरा जितना भी जो रिप्लाई पारा वाइज जो रिप्लाई दिया है उनको हम दिया जाएगा। उसके बाद हमने लारदा मुर्तुम का अगेंस्ट में हमने कंप्लेन डाला है। मेरा कंप्लेन यही है कि वो जो है 31/07/2024 को और गेपिन एरिया स्टूडेंट यूनियन में वो जो एक वो लोग का तरफ से वो लोग को एक कैंडिडेटचर फॉर्म सबमिशन एक दिया जाता है। वो फॉर्म सबमिशन में वहां में आपका 1 टर्म एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट को डालना होता है। वो 1 टर्म एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वो डालता है असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी ऑल अपर सिवनश्री डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का डालता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनियन ऑफ नेरिस का डालता है। क्लास कैप्टन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर भारत यूनिवर्सिटी का डाला जाता है। अभी यहां में जो अपर सिवनश्री जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो वो डाला है सोशल सर्विस असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी में, ये असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी को अभी या में उस समय का पेज में देखने से या में असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी में मुरियो एक आदमी है। उसके बाद में उसको जो असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी में जो वो जो है एक्सपीरियंस को लिया है प्रोजरी बना के उनको हमारा एक बड़ा भैया जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है उस समय का वो रागो दुचुक दोकुम जो है हमारा वहां का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी उनका तरफ से क्लियर का दिया में हमको एक डिक्लेरेशन दिया है कि ये जो है हमने उन्होंने जबरदस्ती रिक्वेस्ट किया इसका वजह से हमने दिया बोल के हम लोग जब रिक्वेस्ट कर उनको बात करना शुरू किया तो वो हमको एक डिक्लेरेशन ऑर्डर दे कि नहीं वो लड़का जो वहां में एग्जीक्यूटिव मेंबर में नहीं था इसको नल एंड वॉइड करके हम लोग को यह दिया गया। उसके बाद में वो जो है अपर सिवनश्री ऑल अपर सिवनश्री ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन अपर सिवनश्री अंशुसु का वो एक किर्जुम मुगली से है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो उससे वो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ले गया। उसको फिर वहां से फिर हम लोग ने डिक्लेरेशन करा कि नल एंड वॉइड करवा दिया। फिर से नेरिस से वो जो है वाइस प्रेसिडेंट का उधर से कोशिश किया फिर नेरिस का हमने पूरा कागज निकला। अभी हमको सुनने में आ रहा है वो जो नॉमिनेशन में जो डाला है अभी अपर सिवनश्री जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो 2011 टू 2018 का जो एक्सपीरियंस को लेके को ऑडिटर का एक्सपीरियंस को लेके सबमिशन किया अभी उसमें
हम लोग ने कुमार कोदक से हमने बात किया, वो परमर जो प्रेसिडेंट है, सौदे लूसी से हमने बात किया जो जनरल सेक्रेटरी है, उससे बात किया तो वो क्लियरली उसका वॉइस टेलीफोन कन्वर्सेशन में उनको साथ में बैठ के बात किया है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको एज एक्सपीरियंस चाहिए बोला है हम लोग को अधिकतर में, इसलिए उनको सर्टिफिकेट दे दे। अभी वो बोलता है हम लोग को अधिकतर में दे दिया, उसको भी फॉर्जरी बना के वो अभी सबमिशन करके रखा। इसलिए ये मीडिया का चैनल से हम ये बताना चाहता है, अगर काल को कुछ भी हमारा अभी लारदाक और हम दोनों में काल को कुछ भी इंसिडेंट होगा, ये कुमार कोदक और ये सौदे लूसी का सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो कि फॉर्जरी सर्टिफिकेट बना के आपने फॉर्जरी एक्सपीरियंस बना के जिस प्रकार से सबमिट करके काल को कुछ भी अंतर्वर्ड इंसिडेंट होगा, ये जो कुमार कोदक और सौदे लूसी का सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसके बाद में वो जो लिया है जील दांगियो जो कि जनरल सेक्रेटरी है ऑल यूसी स्टूडेंट यूनियन अपर सेकेंडरी यूनिट का अंशुशु का 2005-8, अगर वो 2005-8 में एजुकेशन सेक्रेटरी था उस समय में, फिर ये जो लेके आता है या मैं दिखाता है कि अपर सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में ये जो असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी था, आप बता के देखिए कि वो अंशुशु में ये जो है जनरल ये में एजुकेशन सेक्रेटरी था और या मैं अपर सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में वो असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी, एक आदमी दो दो यूनियन में कैसे रह सकता है। इसलिए ये जील दांगियो को भी हम आपका माध्यम से बताना चाहता है कि उनको आप फॉर्जरी सर्टिफिकेट जिस प्रकार से दिया है, कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, मीडिया का माध्यम से आपको बताना चाहता है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दाल जील दांगियो आप लोग का ऊपर में जाएगा। इसीलिए हम ये बताना चाहता है वो जितना भी जो एक्सपीरियंस जो सबमिट किया है वो पूरा फॉर्जरी एक्सपीरियंस को सबमिट करके रहता है, तो इसलिए हमने कंप्लेन डाला है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटर्निंग ऑफिसर को हमने कंप्लेन डाला। उसके बाद में और एक चीज बताना चाहता है कि हमारा 14 हमारा जो जिस प्रकार से इस पर वायलो का अनुसार हमको ऑफिशियल रिकमेंडेशन का जरूरी होता है, तो जिस प्रकार से हमारा अभी का जो केयर टेकर जो चेयरमैन है इंटरिम चेयरमैन है श्री थॉमस दक्षपे जी, थॉमस दक्षपे को जो थॉमस दक्षपे जी ने जिस प्रकार से उनका जो फॉर्जरी सर्टिफिकेट को लेके जो फॉर्जरी सर्टिफिकेट को फुलफिल स्क्रूटनी करने के बाद उसको उनका जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उनको विद्रॉ किया गया है, उनको बेस करके हमने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटर्निंग ऑफिसर को हमने कंप्लेन डाल के रखा कि वो जब ऑफिशियल कैंडिडेट रिकमेंडेशन को विद्रॉ कर चुका है रिवोक कर चुका है तो वो कैसे अभी वो ऑफिशियल कैंडिडेट बन सकता है, ये कंप्लेन को भी हमने डाल के रखा। और इस पर जिस प्रकार से जो केयर टेकर जो इंटरिम कमिटी का जो चेयरमैन है वो रिवोकेशन का जो उनका रिटर्न स्टेटमेंट का हिसाब से वो फॉर्जरी जिस प्रकार से वो ऑफिशियल देते समय में जिस प्रकार से वो एक्सपीरियंस सबमिट किया वो एक्सपीरियंस जो एक इस पर फाइंडिंग के हिसाब से पूरा फॉर्जरी निकला है, उस बेस में उनको अपना जो ऑफिशियल कैंडिडेट को रिवोक कर चुका है, उस बेस में उसका जो है ऑफिशियल को ये विद्रॉ कर चुका है, उनको लेके हमने कंप्लेन एक डाल के रखा है। तो इसीलिए हम जितना भी जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और रिटर्निंग ऑफिसर है और इंटर हमारा जो इलेक्शन मेंबर्स है, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग वाइज डिसीजन लीजिए और जितने भी जो अभी जो आने वाला जो जो स्क्रूटिनी है आप लोग अच्छा से वाइज डिसीजन लेके कल को अनटूवर्ड इंसिडेंट आपस में नहीं होने के लिए आप लोग डिसीजन को लेगा, जो जिस प्रकार से वो हमको कंप्लेन डाला है वो कंप्लेन को भी आप लोग वाइसली आप लोग गो थ्रू कीजिए और हम जिस प्रकार से कंप्लेन डाला है उनको भी आप लोग वाइसली गो थ्रू कीजिए। तो इसीलिए मेरा जितना भी जो समाज सोसाइटी को हम बताना चाहता है जिस प्रकार से हमको जो हमको एक्सपेल 6 साल के लिए किया है या हमें पूरा रिकॉर्ड को हम अभी आप लोगों को मीडिया जो टीम है उनको भी दिया जाएगा जो हमको जिस प्रकार से वो जो 100 को 34 को लेके दिया है और ये निसी इली सोसाइटी सब निसी इली सोसाइटी का जो लेटर का हिसाब से उनको भी आप लोगों को पूरा दिया जाएगा मीडिया टीम को। तो इसीलिए जितना भी अभी जो मेरा जो एलिगेशन है हमको जिस प्रकार से 6 साल के लिए जो एक्सपेल किया उनको भी हमने वहाँ ब्रीफली क्लैरिफिकेशन बाय रिटर्न में उसके बाद जितना एविडेंस है उसको इंक्लोज करके मैं इलेक्शन कमेटी को दिया हूँ और जिस प्रकार से जो मेरा जो ओपोनेंट है उनको भी मेरा जो जो कंप्लेन है उनको भी मैं रिटर्न में बाय रिटर्न में सबमिट किया हूँ। तो इसीलिए हम इलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी जो डिसीजन लेगा वो वाइज डिसीजन लेगा विद दिस टाइम।